बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पिछले लेक्चर्स में फिका के बहुत तफसील से हमने इकोनॉमिक्स और फाइनेंस से मुतल्लिक जो जो इंसानों के जहन में सवालात आते हैं, तो इसके लिए फुकहा ने मुख्तलिफ एक बाकायदा कानूनी फॉर्मेट में अपने अपने टाइम में अपने अपने इलाके में बनाया। आज अब हमारा टॉपिक शुरू होता है सोशल साइंसेस से मुतल्लिक सवालात होते हैं, तो इसके लिए आपका उस टॉपिक से हम शुरू होते हैं शादी से, कि जरा अच्छी एग्जांपल से हम शुरू करें ना। जाहिर है कि आप अगर इस वक्त आप नौजवान हैं तो आपके लिए तो बड़ा खुशी खुशखबरी वाली बात होगी, लेकिन उसमें अब मुख्तलिफ टाइम में फुकहा ने जो जो कानून साजी की तो उसकी हम स्टडी करते हैं कि कैसे कैसे किए थे। मसलन निकाह से पहले किन उमूर में इजाज़त है और किसकी नहीं है, भी अभी शादी नहीं हुई निकाह नहीं हुआ उससे पहले क्या दुरुस्त है क्या गलत है, ये दीन का भी इसमें हुक्म है। निकाह का हुक्म क्या है, यानी क्या क्या चीज़ लाजमी है निकाह के अंदर, निकाह के अरकान और शराइत क्या है। अरकान होते हैं उसका हिस्सा पार्ट, निकाह का क्या क्या है, किन खवातीन से निकाह हराम है। अब ये तो पढ़ ही चुके कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान कर दिया कि किन खवातीन से निकाह जायज नहीं। रिजात यानी बच्चे को दूध पिलाने का क्या हुक्म है, क्या यह दुरुस्त है कि नहीं, और अगर दुरुस्त है तो क्या दुरुस्त है और क्या गलत है इसमें। मुसाहरत यानी ससुराली रिश्तेदारी का क्या हुक्म है, इसे कोई दीन का हुक्म है इसमें या नहीं है। निकाह के क्या कानूनी नतायज मुरतब हो सकते हैं, यानी निकाह याद होगा कि जब हमने शादी की बात की थी तो निकाह असल में एक एग्रीमेंट है, मियां बीवी का एक आपस में एग्रीमेंट है पूरी सारी उम्र के लिए एक दूसरे की खिदमत करने का, और क्या क्या उसके लिए हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी होनी चाहिए निकाह के अंदर। अच्छा, तद्दुदे इज्दवाज ये एक मॉडर्न इशू है। तद्दुदे इज्दवाज आप समझते हैं ना कि एक मर्द जो है वो किसी दूसरी खातून से भी शादी कर ले, तीसरी से भी कर ले, तो इसका दीन में क्या हुक्म है और क्या मामलात है। मसला है किफात, यानी किफात किसे कहते हैं, हम पल्ला फैमिली का निकाह से क्या ताल्लुक है, इससे कुछ है। यह भी आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए सवालात अर्ज कर रहा हूं, तफसील अर्ज करता हूं आगे। हक महर जिसको वेडिंग गिफ्ट कहते हैं, तो ये इसका कोई दीन में कोई हुक्म है, यानी ऐन शादी के टाइम दुल्हा जो है वो दुल्हन को कुछ देता है ना गिफ्ट के तौर पे, तो इसका दीन में क्या हुक्म। आइए अब हम इसकी तफसील से हम अर्ज करते हैं। एक बार फिर इज्तिहाद करते हुए आप पहले वही फॉर्मेलिटी एक बार याद कर लीजिएगा कि असल तरीका क्या है, कि असल सवाल को नोट करें, तासुब से अलग हो जाएं, अपने मफाद को छोड़ दें, अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ ना कर लें, बल्कि कुरान और सुन्नत के पहले स्टडी करें, उसमें कोई हुक्म है तो वो देख लें और उसी बेसिस पे फिर सोचें, और नहीं है तो तब इज्तिहाद होगा, वरना उससे पहले इज्तिहाद नहीं। आइए जनाब हम निकाह से शुरू करते हैं जो आपका खुशखबरी का ही टॉपिक है, यानी निकाह किस चीज का क्या मतलब क्या है, कि एक जीवन साथी का इंतखाब पहला स्टेप आपको करना होता है ना। अभी शादी नहीं हुई, अभी तो कुछ लड़के लड़की ने या मर्द या खातून ने कहीं एक दूसरे से कोई ताल्लुक हुआ, कोई गुफ्तगु हुई, तो अब ये देखना कि किरदार एक दूसरा का एटीट्यूड मिलता जुलता है, मजाज कैसा है, दीनदारी है कि नहीं है, एक आदमी दीनदार है और दूसरी नहीं है, या दूसरी दीनदार है और मर्द जो है दीनदार नहीं है, तो फिर आपस में
फिर तो जिंदगी नहीं ना अच्छी चलेगी। सेहत को भी देख लें कि एक दूसरे की हेल्थ कैसी है, हुस्न जमाल ये भी देख लेना चाहिए ताकि मिलते जुलते ही हो ना मियाँ बीवी, वरना फिर होगा क्या कि वो आपस में फिर लड़ाई झगड़े आगे चलेंगे। चाल चलन एक दूसरे की देख लें ताकि पता चले कि जनाब कोई बुराइयों में कोई मुब्तला तो नहीं है। अच्छा, इसमें जाहिर है कि मर्द पे भी है, खातून पे भी है, यानी सब चीज़ें देख लेनी चाहिए। और ये आम तौर पर जाहिर है कि अब ये लड़का लड़की तो जज्बाती होते हैं ना, तो वो इन चीज़ों पे गौर नहीं करते, तो इसीलिए उनके पेरेंट्स ये ज़्यादा डेप्थ से देखते हैं कि वो उनका एक्सपीरियंस होता है, तो इसलिए वो एक एक चीज़ को देखते हुए रिसर्च करते हुए वो करते हैं। अब फिर पहला स्टेप होता है मंगनी, यानी मंगनी क्या होती है, उसकी नेचर क्या है, ये सिर्फ निकाह करने का वादा। हाँ जनाब, ठीक है जनाब, हम एक दूसरे से अब ये इकट्ठे होने लगे, निकाह करने लगे, और उसके लिए फिर टाइम तय कर लेते हैं अपना। अब इंडियन कल्चर में आप देखिए कि एक फॉर्मल एक्शन ये मंगनी का एक पूरा, ये जाहिर है सिर्फ इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इंडियन कल्चर, वरना अरब कल्चर में देखें तो मंगनी कुछ नहीं, वो एक सिंपल एक दूसरे के एक दूसरे से वादा होना, वो एक जुबानी कर ली कहीं रस्ते में चलते फिरते हो गई बात खत्म जी। लेकिन इंडियन कल्चर में एक बड़ी फॉर्मेलिटीज बहुत सारी है, तो वो पाकिस्तान में भी वही कल्चर है। तो दीगर ममालिक में गैर फॉर्मल वादा कि उसमें कोई बकायदा फॉर्मेलिटीज नहीं। अब आइए देखते हैं कि कुरान मजीद में इद्दत के दौरान मंगनी को हराम किया हो, जो पढ़ चुके होंगे, तो देखते हैं कि अल्लाह ताला का इरशाद वहां पे हमें इसका मंगनी का फरमा दिया गया। फरमाया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वला जुनाह अलैकुम फीमा अरबतुम बिही मिन खितबतिन निसाई औ अकननतुम फी अनफुसिकुम अलिमल्लाहु अन्नकुम ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم। यानी आपके लिए इसमें कोई गुनाह नहीं है कि आप इशारे किराए में निकाह का पैगाम उन बेवक़ खातून को दें या इसको अपने दिल में छुपाए रखें। अल्लाह ताला को मालूम है कि आप इससे बात तो करेंगे, सो कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई वादा इनसे छुप कर ना कीजिएगा। हाँ, दस्तूर यानी मुखलिस शरफा का जो तरीका होता है, इसके मुताबिक कोई बात, कोई इस तरह से मैसेज कह सकते हैं। निकाह की गरा इस वक्त तक ना बांधिए जब तक कानून अपनी मुद्दत, यानी अब ये बेवा खातून को पढ़ चुके हैं ना कि 4 माह 10 दिन ऑलमोस्ट 130 डेज, लेकिन जब कुरान पाक नाजिल हुआ तो वो उस वक्त ये कमरी कैलेंडर से ही कर रहा था, तो इससे अब कर लें ऑलमोस्ट 128 डेज बनते हैं, तो ये पूरी ना कर लें। जान रखिएगा कि अल्लाह ताला जानता है जो कुछ आपके दिलों में है, इसलिए इनसे वार्निंग कर लीजिए, और जान रखिए कि अल्लाह ताला बख्शने वाला है और बड़ा माफ करने वाला है। यानी आप कहेंगे बड़े हैरान होते होंगे अगर आपने फर्स्ट टाइम ये पढ़ा है, इसका मतलब कि भाई ये बेवा खातून है, अभी उनका वो इद्दत का पीरियड चल रहा है ना, यानी इद्दत क्या होती है कि बस जनाब इन्हीं 128 डेज के अंदर अंदर खातून जो है ना वो निकाह ना करें और मंगनी भी ना, बस को वैसे मैसेज अगर पहुंचाना है पहुंचा दें, लेकिन वो भी अच्छे तरीके से, बस यही है। आप कहेंगे कि यार हमारे यहाँ ये तो नहीं कभी हुआ, हम वाकई नहीं हुआ, क्योंकि इंडियन कल्चर में नहीं है, लेकिन अरब कल्चर में इसका बिल्कुल ऑपोजिट कल्चर रहा है। कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब कुरान नाजिल हो रहा था, तो उस वक्त ये होता था कि एक बेवा खातून है, उनके शौहर
फौत हुए, अभी एक दो तीन दिन ही हुए, तो जनाब कोई 10-15 ऑप्शंस आ चुकी होती थी उनको। आप कहेंगे कि भी ये क्या, अभी क्यों होता था ऐसा? उसकी एक बकायदा रीजन थी कि असल में पूरा अरबों का कल्चर ये था कि उनका आपस में हमेशा जंगों जैसी हालत रहती थी, यानी हर कबीले की दूसरे किसी कबीले से लड़ाई झगड़ा चल रहा होता था। तो जंगे होती थी तो मर्द ज्यादा जहां भाग होते थे, तो इसलिए एक पूरा अरबों का कल्चर बन गया था ताकि खवातीन सेटल तो हो ना, तो इसलिए वो यही होता था कि उसमें तभी वो ज्यादा खवातीन से निकाह इसलिए होते थे कि मर्द ज्यादातर मर जाते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक भी यही रहा कि आपके सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को कई जंगों में आना पड़ा, बहुत से उसमें शहीद हुए। तो अब जाहिर है कि उन सब की खवातीन ने कहीं सेटल तो होना था ना, तो इसलिए वो ऑफर मिल जाते थे, कोई मुश्किल नहीं था उसके लिए। अब ये इंडियन कल्चर के हिसाब से वो असल में पुराना इंडियन कल्चर ये रहा है कि बेवा खातून जो है वो तो आप अपनी सती कर ले, यानी सती का मतलब यह था कि अब वो शौहर की लाश को अब वो आग में ले जा रहे हैं, तो अब वो बेवा खातून भी बीच में चली जाए, खुद भी मर जाएगी। तो ये कल्चर रहा, तो इसलिए अब वो चलो अब जो मुसलमान हो गए ईमान ले, तो उन्होंने इसको ये किया कि चलो ठीक है, लेकिन बेवा खातून को शादी को वो अच्छा नहीं समझा जाता। तो ये बड़े इलाकों तक ये कल्चर रहा है, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी, तो ये कल्चर रहा है। हालांकि अरबों का कल्चर इससे इतना डिफरेंट था कि अब उसकी वही एक एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शहीद हुए थे। तो अब उनकी बेवा खातून जो हैं, अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न थे, चचा के बेटे थे, शहीद हुए, तो अब उनके लिए ऑफर आई। लेकिन अब वो खातून ने जैसे ये इद्दत पूरी हुई थी उसके ये टाइम पूरा करने के बाद उन्होंने फिर निकाह किया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से, इसलिए कि उनको ये लगा कि भी सबसे अच्छे मजाज के और ये बुजुर्ग ये हैं, ये साहब हैं। हालांकि वो उस वक्त उनकी एज ज़्यादा थी, लेकिन कर ली खातून इसलिए कि उनको अपना सेटल होने के लिए उनको था। अब हुआ यह कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की उनसे निकाह हुआ, और कुछ अरसे बाद, कोई कुछ सालों बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया। तो इंतकाल हुआ तो वही उनकी इद्दत का पीरियड हुआ, और उसके बाद अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ऑफर उन्होंने एक्सेप्ट किया और अली रज़ियल्लाहु अन्हु से शादी की। और उस वक्त आपको याद होगा कि इन्हीं खातून के पेट में एक बच्चा था जो मोहम्मद बिन अबू बकर के नाम से मशहूर हुआ, और उनकी फिर पूरी अब इस बच्चे को मोहम्मद बिन अबू बकर को बचपन से संभाला, ट्रेनिंग की अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ काफ़ी अरसे बाद के जब वो जवान हो गया, तो वो लड़का जो है वो उस बागी पार्टी के साथ चला गया था, और चला गया, और फिर उस पार्टी ने ये किया था कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया था, बकायदा एक तरह का एक दहशत गर्दाना तरीके से एक अमल किया था। अब कुछ रिवायतों में आपको नज़र आता है कि उसमें जो ये कर रहे थे उस वक्त मोहम्मद बिन अबू बकर भी थे, तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा तो बेटा ये देखो तुम्हारे अब्बा जी कभी ऐसी हरकत नहीं करते थे। अब सोच लो आप क्या सोच रहे हो। तो रिवायत में आता है कि फिर मोहम्मद बिन अबू बकर को समझ आ गई थी और वो छोड़ के आ गए थे कि ठीक है अभी मैं नहीं करता ये। लेकिन कुछ रिवायतों में वो फिर अली रज़ियल्लाहु अन्हु पे इल्ज़ाम लगता है कि जनाब उन्होंने बगावत मौज़ल्ला, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि ये असल में यही हुआ था कि एक जवानी में आके तो वो चले गए थे इसमें। अच्छा, मंगनी तोड़ना तो ये जायज़ है, सारे मालकी और अहनाफ के नज़दीक तोहफा वापस लेना जायज़ है, लेकिन
शवाफे यानी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के जो स्कूल ऑफ थॉट है, और हनाबला वो है कि जो अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का स्कूल ऑफ थॉट है, उनके नज़दीक भी ये जायज नहीं है कि आप वापस लें। यानी मंगनी पे होता है ना कि भी अब वो आपने ये तय कर लिया हाँ जी आपसे निकाह अब हम करने करेंगे करेंगे, वो होता है ना कि बंदा कुछ चलो महीने बाद करें या जो भी टाइम रखा, तो उसके बीच में मंगनी तोड़ने की कोई सूरत हाल आ जाए तो कुछ स्कॉलर्स के नज़दीक वापस ले सकते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं भी ये गलत है, अनएथिकल गलत हरकत है। तो अब निकाह से पहले किन उमूर की इजाज़त है, अब ये सवाल होगा आपके जहन में। यानी अभी शादी नहीं हुई तो उससे पहले क्या चीज़ जायज़ है? तो अब आपने जीवन साथी बनाना है तो कुरान मजीद का हुक्म क्या है कि हया और खब्ज़ बसर का हुक्म है। आइए इसी से हम पढ़ते हैं तो हमें कुरान मजीद का ही हुक्म हमें मिल जाएगा। कुल للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون। ऐ रसूल अपने मानने वालों को हिदायत कर दीजिए कि इन घरों में खवातीन हों तो अपनी निगाहें बचा कर रखें, जैसे शरीफ इंसान को निगाह होती है, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, वो इसके लिए ज़्यादा पाकीज़ा तरीका है। इसमें शुबा नहीं कि जो कुछ वो करते हैं अल्लाह ताला से खूब वाकिफ़ है। तो जनाब इससे कि ये तो कंफर्म पता चल गया कि जनाब अभी आपका शादी नहीं हुई, निकाह नहीं हुआ, अभी तो मंगनी और इस तरह का प्रोसेस चल रहा है, या अभी तक तो पहली मुलाकात हुई होगी, तो भी तब भी हुक्म ये है कि निगाहें बचा के रखें और हया ये होनी चाहिए। यानी अब ये मर्द में भी लड़की में भी दोनों में होनी चाहिए, और हया के साथ अब अरबी में लफ्ज़ ये है कि ये कि अपना यगुद्दू का मतलब होता है बचा के रखना। अच्छा वो कुछ लोगों ने इसका तर्जुमा ये किया कि आँखें नीचे रख के रखना, लेकिन अब वो उसका ये मतलब नहीं है कि भी आप वो अपनी हया में ऐसे कर रहे हो कि आप बिल्कुल नीचे बैठे और ऐसे ही चल रहे हैं और चलते चलते टकरा जाएं, ये ना करें। यानी वही चीज़ करें कि बस जो लॉजिकल तरीके से एक शरीफ आदमी अगर देख भी लेता है तो बस देखे जैसे शरीफ आदमी देखता है। और ख़वातीन पे फिर ये कहा गया कि शर्मगाहें इस पे हिफाजत करें, और ख़ातून के लिए तो शर्मगाहें में सीना भी शामिल, जबकि मर्द के लिए शर्मगाहें जो हैं वो अब जानते ही, तो ये मिनिमम कि ये तो लाजमी है, लेकिन मज़ीद इससे ज़्यादा करें ताकि उसमें कोई चीज़ ना आए। फिर मज़ीद इसमें ये सूरत निसा में आता है कुल लिलमुमिनाती, बल्कि सूरत नूर में कुल लिलमुमिनाती यदुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतुहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वल यद्रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुजूबिहिन्ना वला युब्दीना ज़ीनतुहुन्ना इल्ला बिबऊलतिहिन्ना औ आबाईहिन्ना औ आबाई युअलतिहिन्ना औ अबनाईहिन्ना औ अबनाई बऊलतिहिन्ना औ इख्वानहिन्ना औ बनी इख्वानहिन्ना औ बनी अखवातहिन्ना औ निसाईहिन्ना औ मा मलकत अईमानहुन्ना अव तबईना गैर उलिल अरबति मिनर रिजाली अव तिफली أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون।
اہل ایمان خواتین کو ہدایت کر دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت، زینت کا مطلب اپنا فیشن کی چیزیں نہ کھولیں، سوائے اس کے کہ وہ اشیاء جو ان میں سے کھلی ہی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے اپنی اوڑھنیوں کی آنچل اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں، سوائے ایک ایکسپشن کر دی کہ اپنے شوہروں کے سامنے یا اپنے باپ، سسر، بیٹے، ستیلے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اپنی میل جول کی خواتین، اپنے غلام یا ان ملازم مردوں کے سامنے کہ جو خواتین کی خواہش نہیں رکھتے، یا ان بچوں کے سامنے جو خواتین کے پردے کی چیزوں سے ابھی واقف نہیں، کبھی ان سب کی ایکسپشن کر لی، ٹھیک ہے، لیکن باقی آپ کا جو فیشن ہے اس کو آپ باقی سب مردوں سے چھپا کے رکھیں، اپنے پاؤں زمین میں مارتی بھی نہ چلیں کہ ان کے چھپے ہوئے فیشن معلوم ہو جائے۔ اہل ایمان اب تک کی غلطیوں پر سب مل کر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے رہیں تاکہ آپ فلاح پا سکیں، تو حکم یہ ہے۔ اچھا، خواتین میں اب یہ دیکھیے، یہ جو عرض کیا کہ اپنی اوڑھنیوں کو آنچل اپنی گریبانوں پر ڈالیں، کہ یہ جو گریبان ہے تو یہ بھی ایک پردے کا حصہ ہے، ایک شرمگاہ کا حصہ ہے خاتون کے لیے، تو تھوڑا سفر کیے بس خاتون میں یہ ہے، اور باقی مرد اور عورت دونوں کے لیے اصل اصول وہی بتا دیا گیا کہ جناب آپ لوگ کوئی ایسی حرکت نہ کریں، یعنی اب میاں بیوی ابھی نہیں بنے، ابھی جسٹ ایک ملاقات ہوئی ہے، تو اس میں ایک شریف آدمی کی طرح ہی اپنی آنکھیں ویسی رکھیں، اور جو اپنے فیملی کے لوگ ہیں تو اس کے لیے ایکسپشن کر لے کے چلیں، جی یہ جو فیشن اگر آ بھی جائے سامنے تو کوئی پرابلم نہیں۔ اب فقہا کا پوائنٹ آف ویو اس میں یہ آیا ہے کہ یہ ایک میجورٹی اسکالر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس میں اجازت دے دی نا کہ بھی فیشن کی وہ چیزیں کہ جو کھلی ہوتی ہیں، کھلی کے علاوہ جو چیزیں ان کو چھپائیں، تو کھلی کون سی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے مختلف فقہا نے اپنے اپنے کلچر کے حساب سے یہی سمجھا ہے کہ چہرہ، ہاتھ، پاؤں، یہ ہے کہ جو کھلی ہوتی ہیں، باقی سب چیزیں چھپا کے رکھیں۔ اچھا، اسی سے یہ پردے کا جو آیا معاملہ، تو یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ انڈین کلچر میں ایک فرق ہے، اچھا عرب کلچر میں اور افریقہ میں کوئی خاص اتنا فرق نہیں ہے کہ مثال کے طور پر یہ چہرہ، ہاتھ، پاؤں کے ساتھ اگر خاتون جا رہی ہیں تو نو پرابلم، اس کے لیے کوئی شریف آدمی بھی اس میں تنگ نہیں کرتا۔ لیکن اصل یہ ہوا تھا کہ مسلمان جس وقت مختلف ملکوں سے، افغانستان، ترکمانستان، ان سب ملکوں سے سیٹل ہو کے انڈیا میں آئے تھے، تو اب یہ تھا کہ مسلمان یہ جو نسل کے لوگ آ رہے تھے تو یہ زیادہ خوبصورت تھے، اور انڈیا کا اسپیشلی ساؤتھ انڈیا کے جو لوگ تھے تو وہ اتنے زیادہ خوبصورت نہیں تھے، تو اب ان کے بزرگوں کو یہ فیل ہوا کہ یار اس میں تو بڑا مسئلہ ہوگا کہ ہماری بیٹیوں کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو، تو انہوں نے اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ قسم کی وہ کر دی معاملات کو، تو وہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ کوئی دین کا حکم نہیں تھا بلکہ ایک اپنے کلچر کے حساب سے انہوں نے ایک تھوڑی احتیاط کی ہوئی تھی، یعنی احتیاط کیا کہ جیسے یہ برقع، کہ برقع میں ایک چہرہ بھی غائب ہو جائے، اچھا اس کے لیے آپ نے پھر دیکھا ہوگا کہ جیسے پاکستان میں قبائلی علاقے میں آپ کو نظر آیا ہوگا کہ یہ ٹوپی والا برقع جو ہے کہ اس میں ان کی آنکھیں بھی غائب ہو جائیں، کہ اتنی زیادہ انہوں نے احتیاط کی۔ اچھا، اور دلی کے اندر تو اتنی زیادہ انہوں نے احتیاط رکھی ہوئی تھی کہ ایک مثال کے طور پہ خاتون کا جو ہے نا، یہاں تک کہ ان کا وزن بھی معلوم نہ ہو، اس کے لیے اب کیا ہونا کہ اب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر جانا ہے تو ایک باقاعدہ ایک ڈولی وہ لے کے آتے ہوتے تھے، اور ڈولی کو گھر کے اندر کر کے خود نکل جاتے تھے، اس کے بعد خاتون آ کے بیٹھتی تھیں
और इसको बिल्कुल पर्दे को हर तरफ से बंद करती थी, या मिसाल के तौर पर टांगे में भी अगर बैटरी है तो टांगा भी इसी तरह आना और टांगे वाला बाहर चला जाए, तब जाके वो बैठती और उस पर हर तरफ से इसको पर्दा बंद हो जाता। अच्छा बंद हो के, और स्पेशली जब उसको डोली को जब उठाना है बंदे ने, तो उसको खातून का वजन तो पता चलेगा ना, तो उन्होंने इसमें भी किया कि इसके अंदर पत्थर भी रख दो ताकि अगले को सही वजन ना मालूम। और इतनी ज्यादा उन्होंने ये की कि हाँ भी अगर खातून ने कहीं कंघी अगर लगाई है तो उसका, यहाँ तक कि तुम्हारा अगर कुछ बाल जो है ना वो निकले तो इसको भी बाहर ना जाए, इसको अंदर ही दफन करो अपने घर के अंदर। यानी उन्होंने इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामलात को कर दिया था। तो ये कोई दीन का हुक्म नहीं था, लेकिन इसको कल्चर के लिहाज से और अपनी सिचुएशन के लिहाज से उन्होंने बड़ी ज्यादा जरूरत से ज्यादा एहतियात कर ली हुई थी। यानी उसके लिए आप ये इमेजिन करें, मेरी नानी साहिबा वो मुझे बता रही थी कि वो उनके जमाने में फर्स्ट टाइम उनके मामले में हुआ था इंडिया में कि उनकी स्कूल में अब जाने लगी थी। अब वो क्लास 2 या 3 तक ही होंगी, वो और उनकी बहन दोनों, अब वो टांगे में जानी तो उनके वालिद साहब ने उनको हुक्म दिया कि नहीं भी तुम बुर्का पहन के जाओ उसको। आप इमेजिन करें कि वो एक अभी क्लास 1 या 2 में जो बच्ची हैं तो वो भी बुरके में जाए, तो कल्चर था बाहर, वो एक दिल्ली का खास और यूपी का कल्चर था। और वही कल्चर फिर आप ये देखें कि जैसे पख्तूनख्वा और फिर पंजाब में भी ये कल्चर रहा, ये सिलसिला, तो ये सिर्फ कल्चर का मामला है। अच्छा अरब में आप देखें तो अरब में आप जैसे अभी भी आप देख लें कि जैसे हरम शरीफ पे तवाफ करते हुए या सही करते हुए सफा मरवा में, तो उसमें मर्द और ख्वातीन, वो ख्वातीन भी अपना चेहरा जो है वो बंद नहीं करती, बुरका नहीं होता, और ये इबादत वो कर रही होती हैं कि अपना उमरा या हज वो कर रही होती हैं और उसमें जा रहा होता है सिलसिला। अच्छा अब निकाह का हुक्म क्या है, ये सवाल था। तो निकाह का हुक्म ये है कि ये सुन्नत मौक्कदा है। मौक्कदा क्या होता है कि वो सुन्नत के जिसमें ज्यादा ताकीद की गई है कि लाजमी करें। उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में हमें मिलता है ना कि भाई जरूर निकाह किया करो कि उससे आपका पूरा आपका जो है ना आप हया रहती है, तो इसलिए अप्रिशिएट किया कि भी करें, लेकिन इसको फर्ज नहीं किया गया। अच्छा बुराइयों का गलबा हो लड़के में खास तौर पे, ये लड़की में भी हो सकता है, तो फिर लाजमी है कि भी कर लो, फिर तो वो कहते हैं फुका के फिर तो निकाह लाजमी कर लो, लेकिन जिस्मानी या माशी जिम्मेदारी के काबिल ना हो तो फिर हराम है। यानी एक स्पेशली अब निकाह क्या है कि उसमें इस एग्रीमेंट में लड़के पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी है कि सारी उम्र अपनी बेगम की फाइनेंशियल खिदमत करनी है शौहर ने, अब वो बेचारा इस काबिल ही नहीं है तो फिर ना करें, फिर शादी ना करें। और इसी तरह जिस्मानी एतबार से भी, क्योंकि तभी मियाँ बीवी के अंदर एक जिस्मानी ताल्लुक भी बनता है सेक्स का, तो भी अब अगर वही मर्द में या खातून में वो सलाहियत ही ना हो तो फिर ना करें, इसलिए कि वो फिर अगले मुसीबत में आ जाएंगे। अगर मर्द में नहीं है तो खातून मुसीबत में आ जाएगी, और खातून में ये प्रॉब्लम है तो फिर मर्द में आ जाएगी, तो वो ना करें। अच्छा अब ये इसकी वही हिस्ट्री के अंदर हमें एग्जांपल्स मिलती हैं, जैसे इल्मे हदीस के सबसे बड़े स्कॉलर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने शादी नहीं की। अच्छा क्यों नहीं की, इसलिए कि उन्होंने हदीस की रिसर्च करने के लिए कोई 30-40 साल तक सफ़र में ही रहे, पूरी दुनिया के अंदर एक एक शहर में एक एक गांव में जा जा के लोगों को मिलते रहे कि वो हदीस जहाँ से आई है उस बंदे को रिसर्च कर लें कि वो बंदे ऑथेंटिक थे कि नहीं थे, रिलायबल थे कि नहीं थे। उन्होंने सारी उम्र इसी में लगा दी और करके फिर एंड में आके मदीना मुनव्वरा में आए और फिर मस्जिद नबवी में उन्होंने ये सही बुखारी जो उनकी किताब है तब उन्होंने लिखी थी।
लेकिन करने में उनको 30-40 साल लगे, तो उन्होंने अच्छा ही किया कि नहीं की, वरना वो खातून या तो वो शौहर के बगैर ही रहती या फिर वो बेचारी हर वक्त वो भी दर बदर ही होती रहती। तो ये मसला था ना। तो ये उन्होंने नहीं किया। और उससे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम में भी ये एक एग्जाम्पल मिलती है, हज़रत याहिया और ईसा अलैहिस्सलाम, इन दोनों ने शादी नहीं की थी। तो उनसे उनके साहबा ने पूछा कि क्यों नहीं आप करते, तो उन्होंने फरमाया कि अभी अब तो ये यरूशलम में हमें तो ये मालूम हो रहा है कि भी अब ये इस दरख्त पे ये तो कटने वाला है, तो इस पर हम क्या करें। कहा कि फिर बच्चे उन पर भी आएंगे, मसले आएंगे ना। यानी वो प्रैक्टिकली हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला के हुज़ूर चले गए, तो उसके कुछ साल बाद, तो हिस्टोरिकली वो पता चलता है अराउंड 40 ईयर्स के बाद ये वाक़या हुआ कि पूरे यरूशलम में इतनी तबाही हुई कि वो रोमन एम्पायर ने आके बनी इसराइल के हर आदमी जो भी हाथ में आए कत्ल करते चले गए, बस वही बचे जो निकल के भाग गए। अच्छा, ख़वातीन जो भी बच गई इनको उन्होंने अगवा करके उनको एक लॉन्डी के तौर पे उनके मिलिट्री वालों ने, रोमन्स ने वो कर लिया था। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे ये मालूम था कि अभी इन पे ये सज़ा होने वाली है, इसलिए कि वो अल्लाह के रसूल का इनकार कर रहे हैं और इन पे होने वाला। तो ये एक सिचुएशन थी, तो ये हुआ उनके साथ, तो इसलिए उन्होंने शादी नहीं की। तो यार फिर वो बाद में जो मेरे बच्चे पैदा होंगे तो इनका फिर क्या होगा। तो वो अराउंड 40 ईयर्स के बाद ये वाक़या हुआ और याहिया अलैहिस्सलाम को तो शहीद कर दिया गया था। अब आइए निकाह की अरकान और शराइत क्या, यानी सुन्नत का ये हुक्म है, ये खुद हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में है। यानी सुन्नत का हुक्म क्या है कि रुकन, रुकन वो होता है कि जो लाजमी हिस्सा है, ये वो है इजाब कबूल। इजाब कबूल वही है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। यानी जाहिर है कि अमूमन मर्द प्रपोजल देता और खातून एक्सेप्ट करती है। अच्छा, कभी इसका उल्टा भी हो सकता है, इसमें कोई अर्ज नहीं कि खातून प्रपोजल दे दे और मर्द जो है एक्सेप्ट कर ले, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसके लिए असल उसूल यह है कि ये सब ऐलानिया हो, यानी खुफिया नहीं। अब इसके लिए फुकहा ने फिर एक बाकायदा इसके लिए निकाह के लिए कुछ शराइत उन्होंने अपने अपने कल्चर के हिसाब से इन्होंने की, जो लॉजिकल लगती हैं। एक तो ये कि निकाह मर्द और औरत ही में हो सकता है, हम जिस निकाह का कोई तसव्वुर इस्लाम में मौजूद नहीं। इसके लिए तो खुद कुरान मजीद में आप पढ़ लीजिए कि जैसे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम की बुराई बताई गई वो यही थी कि उसके लिए वो मर्दों का मर्दों से ही ताल्लुक़ था और अपनी बीवियों से कोई ताल्लुक नहीं करते होते थे, तो ऐसी थी। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने बहुत उनको समझाया, नहीं माने तो फिर अल्लाह ताला ने उन पर सजा भी कर दी, उस पूरी कौम को जो डेड सी की कौम थी हलाक हो गई। और आज तक वो केमिकल्स मौजूद हैं कि जो अल्लाह ताला की सजा के तौर पे जो पत्थर इन पे गिरे थे तो वो मौजूद हैं। तो इसलिए ये कन्फर्म है हम जिन्स परस्ती का कोई तसव्वुर ही दीन में कि मर्द और औरत में ही होगा। अब आप सवाल करेंगे कि एक तीसरी मखलूक भी तो होती है ना, के ख्वाजा सरा। तो इसके लिए फिर फुकहा ने असल में उनकी रिसर्च की, तो ये उनको पता चला कि जनाब मर्द जो होते हैं ना, जो ख्वाजा सरा होते हैं, तो ये 100% मर्द नहीं होते लेकिन मर्द के करीब होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो खातून के करीब होते हैं। यानी 100% औरत तो नहीं होते लेकिन मिलते जुलते होते हैं, तो चलो वो फिर आपस में कर लें शादी। निकाह करने वाला अपनी जान में तसर्रुफ की अहलियत रखता हो। बच्चा अपना निकाह खुद नहीं कर सकता, इसके लिए सरपरस्त होना जरूरी है, बल्कि प्रैक्टिकली होना नहीं चाहिए, इसलिए कि सरपरस्त उनके वाले साहब कोई ज़बरदस्ती अपने एक साल के बच्चे का निकाह कर दे, अब वो बेटे को कुछ पता भी नहीं है, शऊर भी नहीं है, उसका क्या निकाह होगा। एक शऊर में जो हो, लॉजिकल हो, सोच समझ के डिसीजन ले सके।
निकाह सिर्फ इसी खातून के साथ हो सकता है जिसके साथ शादी जायज और किन पे नहीं है, ये कुरान मजीद में पढ़ चुके हैं, मैं भी इसे दोबारा आपके सामने अर्ज कर दूंगा। इजाब व कबूल का एक ही मजलिस में होना जरूरी है, यानी ये इजाब व कबूल के एक ही मजलिस में, यानी कि जनाब एक प्रपोजल तो एक साहब ने आज की है और महीने बाद खातून एक्सेप्ट कर रही हो तो वो निकाह नहीं होता, निकाह एक ही मजलिस में आमने सामने हो करो। अच्छा, आजकल के ज़माने में जैसे ऑनलाइन निकाह भी हो रहा है तो इसके लिए कई फुकहा उसमें कहते हैं कि भाई इसमें फ्रॉड हो सकता है, इसलिए ये नहीं, यानी प्रैक्टिकली लड़का लड़की आमने सामने हो फिर करें निकाह। अच्छा, इससे पहले टेलीफोन पे ये होता था तो टेलीफोन में कुछ फुकहा ने कहा ठीक है भी दुरुस्त है कर सकते हो, लेकिन जब प्रैक्टिकल कुछ वाक्यात हुए कि ये फ्रॉड हुए तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि भी ये ना करो। तो इसी तरह इंटरनेट निकाह में भी ये हैं होते हैं, लेकिन चलो अगर प्रैक्टिकल इस तरह से किसी तरीके से आपको आ रहा है कि आप इंटरनेट से निकाह कर रहे हैं लेकिन 100% सही एविडेंस और पूरा लीगल डॉक्यूमेंट भी एक दूसरे पे आ रहे हो और वो साइन कर रहे हो अपने और उसकी फिंगरप्रिंट्स मौजूद हो, तो चलो फिर तो हम कह सकते हैं कि निकाह है। अब ये मॉडर्न मैंने इश्तेहाद करके आपको अर्ज कर दिया। हिजाब कबूल का सीगा माजी में होना जरूरी है, यानी मैंने निकाह किया, मैंने कबूल किया, यानी ये इसका मतलब मैंने निकाह कर लिया, मैंने कबूल कर लिया, यानी इसका मुस्तकबिल की बात नहीं हो कि मैं निकाह करूंगा या मैं कबूल करूंगी, ये कोई निकाह नहीं होता। निकाह के लिए माजी के साथ करें या एक आज के टाइम पे कह दें आप अपने मैं निकाह कर रहा हूं, बल्कि कर रहा हूं तो ये भी इसमें बात बन सकती है ना, हो सकता कुछ मिनट बाद करें तो इसलिए निकाह कर लिया मैं, तो तब ये बात पक्की बात होगी। तो इस तरह और इसमें जुबान से भी करें और साइन भी करें। अच्छा, हमारे यहाँ कल्चर में एक ये प्रॉब्लम है कि उसमें निकाह के एग्रीमेंट में तफसील नहीं आ रही होती, भी तफसील करें पूरी, यानी अब खातून जो जो चाह रही हैं पूरी लिखवाएं, इसी तरह मर्द भी जो चाह रहा है वो पूरा लिखो ऐड करें उसमें, और इसके लिए एक बाकायदा स्टाम्प पेपर जो एक लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ये साइन करें, फिंगरप्रिंट्स दोनों करें ताकि कन्फर्म हो जाए कि यार वाकई सचमुच का ये हो रहा है। निकाह के लिए कम से कम दो गवाहों की जरूरत है और एक फिर भरी मजलिस में होना चाहिए। खुफिया निकाह की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है। मालिकी फुकाह के नज़दीक निकाह की सही होने के लिए शर्त है कि लड़का लड़की दोनों बीमार भी ना हो, लेकिन बकिया फुकाह उस शर्त को नहीं मानते, लेकिन मालिकी फुकाह का ये उनकी जो रिसर्च है सही लगती है कि लड़का लड़की में कोई ऐसी बीमारी हो कि अब वो डिसीजन भी ना सही ले पा रहे हो तो फिर क्या निकाह होगा। अच्छा, ये दो गवाह का क्यों इसमें उन्होंने रखा हुआ है, ये असल में पहले जमाने में लीगल डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं बने जाते थे, उसके लिए गवाह होते थे, तो इसलिए उन्होंने मिनिमम दो के रखे। तो लेकिन अब आजकल के ज़माने में तो फिर ये और फिर उसका लीगल डॉक्यूमेंट भी बने और वो फिर अदालत से भी वो साइन हो के आ रहा हो ना, तो मामला ख़त्म, फिर तो अब हर एक की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हर एक की एसेट्स और लाइबिलिटीज वो भी सामने आ जाए, वो सब आ जाए सामने। हनफी फुका के नज़दीक लड़की की के वली जो सरपरस्त हो, यानी अमूमन वालिद ही होते हैं ना, इनका होना निकाह की शरायत में नहीं है, जबकि बकिया फुका कहते हैं कि नहीं जी वो भी लाजिम हो। अच्छा, इसका कोई ताल्लुक उस पर नहीं है कि ये जनाब ये कोई बहुत है वरना पे निकाह ही नहीं होगा, नहीं निकाह तो हो जाता है, लेकिन ये है कि ज़्यादा अच्छा है ना कि असल में ये सिर्फ लड़के लड़की का कोई ताल्लुक नहीं बन रहा, एक फैमिली का दूसरी फैमिली से ताल्लुक बन रहा है, तो इसलिए उनके पेरेंट्स, उनके भाई बहन, उनके अंकल आंटी वो भी बैठे हुए हों तो बैठ रहे हो तो ज़्यादा अच्छा है ना कि ताल्लुक बनेगा, बस इसलिए कि ये एथिकली ये कहा गया। लेकिन बाकी ठीक है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, अब सिर्फ लड़का लड़की है, चलो एक दो गवाह भी दो तीन गवाह भी मिल गए तो बस ठीक है कि वो निकाह तो हो गया।
मालिकी फुका के नजदीक खुफिया निकाह अगर हुआ है तो हुकूमत इसे लाजमन फसख करवाए, फसख का मतलब कैंसिल करे, और अगर फरीकैन की रजामंदी से तो दोबारा निकाह करवाए। हनाबला जो हम्बल स्कूल ऑफ थॉट के हैं वो कहते हैं कि भी ये मकरूह है, मकरूह का मतलब बड़ा गंदा काम, ये ना करो, खुफिया निकाह नहीं हो बल्कि इसके लिए, लेकिन चलो हो जाता है वो कहते हैं। अच्छा, शिया स्कॉलर्स के नज़दीक निकाह का ऐलान और इजहार एक मुस्तहिद है, एक नेकी का अमल है, लेकिन निकाह की शर्त नहीं। वो कहते हैं कि भी अगर फिर भी लड़का लड़की ने कर लिया तो हो गया निकाह, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता, लेकिन उसी बेसिस पे फिर इख्तलाफ बढ़ा है। कहले सुन्नत और जैदी शिया हजरात के नज़दीक तो तमाम फुका के नज़दीक निकाह उम्र भर के लिए होता है, यानी निकाह का मतलब ये नहीं कि जनाब इतने टाइम के लिए, जनाब इतने कुछ, जनाब इतने महीनों के लिए निकाह, या एक साल के लिए, या एक दिन के लिए, या एक घंटे के लिए, नहीं। तो शिया हजरात के जैदी शिया हजरात यानी जैदी हजरात का ये एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है जो यमन के हैं, तो उनका स्कूल ऑफ थॉट भी सेम है जो अहले सुन्नत का है कि अभी निकाह सारी उम्र के लिए होता है। लेकिन जो इसना अशरी शिया हजरात हैं तो वो वक्ती या आर्जी मियादी निकाह कह सकते हैं, जिसे मुता कहते हैं, तो वो कहते हैं ये जायज़ है, लेकिन अहले सुन्नत और जैदी शिया हजरात इसको गुनाह समझते हैं कि हराम है। कभी अब अगर कोई एक दो घंटे के लिए निकाह कर लिया, अब जनाब सेक्स कर लिया, अपना मजा कर लिया, करके उसके बाद तलाक हो गई ऑटोमेटिकली, तो भी ये इसमें फिर अहले सुन्नत भी और जैदी शिया हजरात भी इख्तलाफ करते हैं कि नहीं जी, ये नहीं। इसनाशरी शिया हजरात ये वही जो मेजॉरिटी शिया हजरात की ईरान में, पाकिस्तान, इंडिया में, तो वो कहते हैं कि मुताबिक जायज़ हो सकती है। अच्छा, ज़बरदस्ती निकाह में इतफाक है कि नहीं, तो हनफी उलमा के नज़दीक निकाह हो जाता है कि, लेकिन लड़का या लड़की जो चाहे इसे कैंसिल कर सकता है, लेकिन बाकी तमाम स्कूल ऑफ थॉट के नज़दीक ये निकाह सिरे से हुआ ही नहीं जो ज़बरदस्ती हुआ, कोई निकाह ये बिल्कुल ऐसी है कि ज़बरदस्ती किसी से साइन करा लिया और जो कोई कुछ नहीं हुआ, उसके लिए फिर अदालत ये फैसला करेगी नहीं जी कुछ नहीं, ये सब बकवास है, कुछ नहीं। जमहूर फुका, जमहूर का मतलब मेजॉरिटी स्कॉलर्स के नज़दीक एक वलीमा सुन्नत मुअक्कदा है। वलीमा आप जानते ही हैं कि अब होता क्या है कि शादी के बाद तो लड़के वाले भी एक वो खाने का अरेंज करते हैं ना, तो इसके लिए सुन्नत मुअक्कदा है कि भी इसको रेगुलर करना चाहिए। लेकिन ज़ाहिरी फुका, ज़ाहिरी स्कूल ऑफ थॉट कौन से हैं? ज़ाहिरी स्कूल ऑफ थॉट एक अलग मुख्तसर स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उसके एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जैसे अहले हदीस उलमा वो कहते हैं नहीं भी ये लाजमी है, वाजिब है, ये लाजमी करो। अच्छा, वलीमा के लिए दीन के अंदर कोई ऐसा हुक्म नहीं है कि जनाब इसकी इतनी लाजमन इतना खर्चा होना चाहिए, नहीं बेच इतना इजीली आप कर सकते हैं करें। उसके लिए आप मिसाल के तौर पर आप अगर कुछ दोस्तों में बिठा के बर्गर खिला दें ठीक है, उनकी आपने कुछ अपने चाय पिला दी बस ठीक है, बात खत्म, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन ये इंडियन कल्चर में ये है कि उसके लिए अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड करते हुए बहुत लंबा खर्चा करवाते हैं, तो उसके लिए दीन में कुछ नहीं है। उसके लिए सुन्नत इस तरह से कोई हदीस में आता है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला एक मशहूर सहाबी हैं, तो अब हुआ कि उन्होंने निकाह कर लिया और उन्होंने मदीना मुनव्वरा में आके शादी की। अच्छा, वो शादी की तो अभी सबको पूरे शहर को तो पता नहीं था, ठीक है कुछ जो दोस्त आए थे मिलके निकाह कर लिया था, तो अब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बताया जाके तो आपने फरमाया अब भाई अपने अल्लाह मुबारक दे तुम्हें, लेकिन अब कुछ सबको भी कुछ एक इंजॉयमेंट का कुछ ये तो करो ना, वलीमा तो करो कि जितना भी हो चाहे एक बकरा ही हो, यानी जो भी उस जमाने की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट यही होती थी जानवरों पर, कभी एक से ही तुम कर लो करो सही, यानी उसका एक
इसलिए सुन्नत मुअक्कदा ही अक्सर स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जी लाजमी ये भी करनी चाहिए, यानी वो सुन्नत है कि जो अगरचे फ़र्ज नहीं है लेकिन फिर भी उस पर ताकीद है कि भी ज़रूर किया करो। तो जनाब अब उस टॉपिक पे आते हैं कि किन ख़वातीन से निकाह आराम है। ये कुरान मजीद में इजमा के साथ कुरान मजीद में हुक्म है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। माँ, सौतेली माँ, बहन बेटी, सास बहू, सौतेली बहन, सौतेली बेटी, भांजी भतीजी, खाला फूफी, ये कुरान मजीद के मुताबिक आपके लिए हमेशा के लिए आ रहा। आप इनसे नहीं कर सकते शादी कभी भी। फुकहा के नज़दीक मजीद ख़वातीन से निकाह जायज। अच्छा देखिए इसके अंदर फुकहा के नज़दीक मजीद ख़वातीन से निकाह जायज नहीं है, यानी उन्होंने मजीद इसमें ये एहतजाज किया है, मतलब ज़्यादा इश्तिहाद करते हुए ये रिसर्च किया कि जैसे बीवी की बहन, बीवी की भतीजी भांजी फूफी खाला सबसे निकाह रहा, हाँ बीवी की वफात या अलहदगी के बाद फिर ठीक है फिर कर सकते हैं। यानी ये बिल्कुल ऐसे ना कि जैसे आपकी अपनी भांजी भतीजी है वो तो कुरान मजीद में आराम है, तो इसी तरह आपकी बेगम की भतीजी या भांजी है वो भी तो आपकी बेटी हुई ना, या इसी तरह बीवी की फूफी या खाला है तो वो भी तो, ये हदीस में भी मिल गया हमें पता चल गया कि जनाब उनकी फूफी और खाला उनसे निकाह पे जायज़ नहीं है, इसलिए कि वो उनकी हैसियत भी बिल्कुल आपकी एक सास या माँ की तरह ही है ना। हाँ ठीक है अगर आपकी बीवी का इंतकाल हो गया या अलहदगी होगी किसी वजह से फिर उसके बाद वो ताल्लुक़ ख़त्म हुआ तो फिर ठीक है फिर बेशक कर लें, अगर आपका ताल्लुक बने तो। किसी मर्द या खातून के लिए जायज़ नहीं है कि मोहब्बत की पींगें बढ़ाकर मियाँ बीवी में शकूक व शुबहात पैदा करें और इसमें अलहदगी करवा कर इनकी जगह ले लें, कि वाकई एक एथिकली एक गुनाह है कि मर्द या खातून जो भी ये हरकत करें कि जना मियाँ बीवी में आपस में लड़ाइयाँ करवाएं ताकि इसमें अलहदगी हो जाए और इसको छोड़ के वो हमसे शादी हो जाए। ये मर्द भी अक्सर मर्द ही करते रहे और कभी कभी खातून भी कर लेती हैं तो ये गुनाह। इसके लिए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बहुत तफसील से इसको अपने इरशादात में इंजील में बताया कि ये बड़ा गलत हरकत। अच्छा मुसलमान खातून का निकाह किसी भी गैर मुस्लिम मर्द से जायज़ नहीं और इसी तरह मुस्लिम मर्द का निकाह गैर मुस्लिम खातून से जायज़ नहीं, इसलिए कि असल में ये निकाह होता क्या, इस शादी का मकसद सिर्फ ये हो रहा है कि जनाब अगली नस्ल की खिदमत करनी। तो अब जाहिर है कि अगर मियाँ बीवी का मज़हब ही डिफरेंट हो, दीन ही डिफरेंट हो तो फिर वो अगली नस्ल कंफ्यूज हो जाएगी ना। इसके लिए कुरान मजीद ने एक एक्सेप्शन कर दी कि एक इस्तिस्नाई तौर पर एक्सेप्शन के तौर पर कि मुसलमान मर्द की किसी पाक दामन और अच्छे करैक्टर की यहूदी या ईसाई लड़की से शादी हो सकती है लेकिन उसी सूरत में जायज़ है जब मर्द की अपनी बीवी की मज़हब से मुतासर होने का अंदेशा ना हो। यानी उसमें फिर ये ख़ासतौर पर ये इजाज़त कुरान मजीद में तब आई है कि जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत पूरे अरब मुल्क में बन गई थी और अब जितने यहूदी और क्रिश्चियंस रहते थे तो अब उनसे शादी होगी तो फिर इसका चांस बहुत कम है कि मर्द इसको अपना दीन छोड़ के आप दूसरे दीन पे चला जाए, तो इसलिए और फिर बच्चे भी कंफ्यूज नहीं होंगे तो इसलिए इजाज़त दी थी उसकी। लेकिन वो इस टाइम में, लेकिन अब आजकल के ज़माने में ये ज़रूर सवाल पैदा होता है कि आप जैसे आप इमिग्रेशन करके अब यूरोप कैनेडा अमेरिका चले गए, अब मेजॉरिटी क्रिश्चियंस की है तो वहाँ पर कर सकते हैं कि नहीं, तो भी अब दीन ने इजाज़त तो दे दी है लेकिन फिर सोच लें कि भी आपके बच्चे कंफ्यूज होंगे कि नहीं होंगे, इसको सोच लें पहले अच्छी तरह फिर शादी कीजिएगा। जो भी अहले किताब की कोई और खातून से अगर शादी करना चाह रहे हैं तो सोच लें, लेकिन मैंने देखा कि अनफॉर्चुनेटली एक अनएथिकल हरकत होती रही कि वो निकाह सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते रहे कि बस जनाब हमें वहाँ का पासपोर्ट मिल जाए बस,
और फिर होके और फिर अलहदगी कर लेते रहे, तो ये अनएथिकल हरकत है कि उस खातून से फिर सारी उम्र की शादी करें जिनसे भी कर। आइए जनाब, अब हम कुरान मजीद के अहकाम, अब मैं ज्यादा तफसील है तो मैं इसलिए सिर्फ तर्जुमा अर्ज कर देता हूं। हुक्म हुआ कि जिन सुतेली माँ खवातीन से आपके वालिद निकाह कर चुके इनसे हरगिज ना करें मगर जो पहले हो चुका सो हो चुका, बेशक ये खुली बेहयाई है, सख्त काबिल नफरत बात है और नहायत बुरा तरीका। आप कहेंगे ये कहाँ से हो गया? ये अरबी में, अरब कल्चर में जब ये कबीले में होते थे तो होता था कि एक जनाब सरदार कबीले का वो कर ली, अब एक लड़की से शादी कर बैठ जाए। अच्छा, उसके बाद वो सरदार साहब तो फौत हो गए, अब वो बिल्कुल जवान लड़की बेवा बनी। तब होता क्या था, क्या वही सरदार का जो बेटा है वो बन जाएगा सरदार? वो उसका यही कर लेते थे कि अपनी सौतेली माँ को ही अपनी बेगम बना लेते थे और उसको विरासत की शक्ल बनाते थे। तो अल्लाह ताला ने बताया कि ये बहुत बड़ा गंदी बेहयाई की हरकत है, ये अदा ना करना। अब तक जो हो गया हो गया, उसको अल्लाह पर फैसला करेगा, अब ना करना। अच्छा, ये अब जाहिर हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं होता। वह क्या, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने की ये लिस्ट बताई, आपकी माएँ, बेटियाँ, बहनें, फूफियाँ, खालाएँ, भतीजियाँ, आपकी भांजियाँ आपके लिए निकाह की सूरत हाल के तौर पर हराम की गई। यानी वो वैसे हराम नहीं है, ये निकाह हराम का मतलब ये है कि इनसे निकाह हराम, शादी नहीं आप कर सकते। आपकी बेटी के तौर पर, आपकी बहन के तौर पर वो रहेंगे, माँ होके, खाला रह के, फूफी रह के रहेंगी हमेशा। आपकी वो माएँ भी जिन्होंने आपको दूध पिलाया और रिजात के इस ताल्लुक से आपकी बहनें से भी निकाला। यानी आप एक खातून का दूध पिया आपने बचपन में तो वो आपकी माँ बन गई। अब उस खातून से जिस जिस लड़की ने जो जो दूध पिया तो वो भी आपकी बहन बन गई, तो ताल्लुक हो गया, अब निकाला। इसी तरह आपकी बीवियों की माएँ जो यानी सास ये हराम की गई हैं, और आपकी बीवियों की लड़कियाँ यानी आपकी सौतेली बेटियाँ ये भी हराम की गई हैं जो आपकी गोदों में पली। इसका ये मतलब नहीं कि गोदों में नहीं पली हैं लेकिन जवान होके आई हैं, तो तब भी आपके लिए तब भी वो हराम। यानी यहाँ पे ये गोदों पे एक बिल्कुल मोटिवेट करने के तौर पर ये बताया गया कि भी ये चीज़ गलत है। यानी होता ये था ना कि आपकी शादी हुई तो खातून की पहले शादी हुई है, वहाँ से उनके बच्चे हैं, बेटियाँ हैं, बेटे हैं, तो अब वो आपके लिए हमेशा के लिए आराम हो गई, आपकी बेटी हो गई। इन खवातीन की लड़कियों से निकाह पर कोई गुनाह नहीं है बशर्ते कि जिस खातून से अगर खलवत यानी इज़्ज़वाजी तल्लुक ना हो। यानी खातून से अभी तक तो वो निकाह का डॉक्यूमेंट हुआ, अभी तक रुख्सती नहीं हुई, कोई इज़्ज़वाजी ताल्लुक नहीं बना, अभी सेक्स का मामला नहीं हुआ और फिर तलाक हो गई, तो फिर दे दी कि ठीक है जी। उसके बाद कुछ अरसे बाद आइडिया आया तो वो जिस खातून से वो एक निकाह के अभी मामला ही चल रहा था और तलाक भी हो गई थी, तो ठीक है अभी चलो वो उसकी बेटी फिर आपकी बेटी नहीं बनी। लेकिन जब अगली की रुख्सती हो गई उन माँ की और तो फिर वो आपकी हो गई, तब उनकी बेटियां आपकी बेटियां बन। फिर छठा पॉइंट ये बताया कि आपकी सलबी यानी आपके सच्चे बेटे, बेटियों की बीवियां भी हराम, यानी आपकी बहू वो भी हराम हो गई आपकी। तो आप कहेंगे जी हमें तो नहीं होता, नहीं अरबों में ये होता था सिलसिला, इसीलिए अल्लाह ताला ने ये लिस्ट में बताया कि जनाब नहीं जी, बहू की ये अब आपकी बेटी बन गई है, चाहे तलाक भी हो जाए तब भी नहीं, तब भी वो आपकी बेटी तो वो रहेगी। फिर सातवां ये भी हराम है कि आप दो बहनों को एक ही निकाह में जमा करें मगर जो हो चुका सो हो चुका, अल्लाह ताला यकीनन बख्शने वाला इसकी शफकत हमेशा के लिए। एक ये भी बता दिया कि भी आपने एक खातून से शादी की, अच्छा अब आप दूसरी शादी करने लगे उसी बेगम की बहन के साथ नहीं कर सकते, और किसी के साथ हो सकती है, लेकिन इसी बेसिस पे फिर यही
क्यास हुआ कि भी बिल्कुल जैसे बेगम की बहन जो है वो भी आपकी बहन की तरह है, तो इसी तरह आपकी बेगम की जो खाला और फूफी और उनकी भतीजी भांजी जो है वो रिश्ता भी वैसा ही रहेगा। हाँ, अगर आपकी अलहदगी हो जाए या बेगम का इंतकाल हो जाए फिर ठीक है, फिर वो ख़त्म हो गया ताल्लुक, वो निकाह तो फिर बाप के लिए जायज़ है। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने मज़ीद बताया कि आठवां पॉइंट ये है कि वो ख़वातीन भी आप पर हराम है जो किसी और के निकाह में, यानी दूसरे की जो बेगम है वो आपके लिए हराम है। हाँ, जब अगला फौत हो जाएगा या उसकी अलहदगी हो जाए तो फिर ठीक है, लेकिन वो भी इद्दत के बाद। फिर नौवां पॉइंट है कि सिवाय इसके कि वो जंग में आपकी मलकियत में आ जाए तो इनका पहला निकाह ख़त्म हो जाएगा और आपकी बीवी बन सकती है। ये अल्लाह ताला का कानून है और इसकी पाबंदी आप पर लाजिम की गई है। ये उस ज़माने में होता था कि जंग में, अब वो उनकी मिलिट्री में ख़वातीन भी होती थी जो अमूमन नर्स के तौर पर काम करती होती थी, तो वो आ गई कैदी बन के आ गई, तो अब उनके शौहर या तो मारे गए उसी जंग में तो वो भी ठीक है, या वो अब कैदी हो गई तो अब ऑटोमेटिकली कैद के साथ ही वो निकाह कैंसिल ख़त्म हो गया, यानी अब वो खातून से आपकी शादी हो सकती है, इजाज़त है, लेकिन वो खातून भी माने। इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये प्रैक्टिकली मामले को भी किया कि जैसे खैबर की जंग हुई थी यहूदियों की, तो अब यहूदियों के मेन सरदार की बेटी थी सफिया रदियल्लाहु अन्हा, तब हुआ यह था कि गालिबन उनके शौहर तो खैर जंग में मारे गए थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही मुनासिब समझा कि भी अगर उनके सरदार से शादी हो जाए तो फिर ये दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी, तो अपने सफिया रदियल्लाहु अन्हा को ऑफ़र दे दी कि भी ठीक है, आप अगर चाहें शादी कर सकती हैं, और सफिया रदियल्लाहु अन्हा ईमान भी ले आई और उन्होंने शादी भी कर। तो फिर उसका फिर रिजल्ट क्या हुआ था कि वो यहूदियों से जो लड़ाई झगड़ा था वो सारा ख़त्म हो गया सिलसिला। अच्छा, फिर दसवां पॉइंट ये कि इनके सिवा जो ख़वातीन इनका महर जो टोकन अदा करके अपने सारी उम्र तक माशी खिदमत के वादे के ज़रिए से इन्हें हासिल करना आपके लिए हलाल है, इस शर्त के साथ कि आप पाक दामन रहने वाले हों ना कि बदकारी करने वाले, क्योंकि आपकी नीयत दुरुस्त है। और अब आप ये जो महर होता है, हक महर जिसे कहते हैं, टोकन के तौर पर ही होता है, इसलिए होता है ताकि आप अभी एग्रीमेंट कर रहे हैं निकाह के अंदर कि जनाब सारी उम्र तक आपकी फाइनेंशियल खिदमत मैं पूरा करूँगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये ठीक है, ये सही है, लेकिन कोई बदकारी की नीयत के साथ ये नहीं हो, बल्कि पाकदामन होके करें। फिर इलेवेंथ में ये भी कहा कि फिर इससे पहले अगर महर अदा नहीं किया, जो फ़ायदा इनसे उठाया है तो इसके सिले में इनका महर इन्हें अदा करें कि एक फ़र्ज़ के तौर पर, यानी महर जो है ये लाजमी है, ये लाजमी है कि शादी के वक्त करें, लेकिन आप ऐन उस टाइम में कोई प्रॉब्लम में आ गए फाइनेंशियल में तो फिर उसकी हैसियत कर्ज़ की होगी कि आप जैसे ही आपको फाइनेंशियली आपको कैश आए तो फ़ौरन खातून को वो टोकन फ़ौरन दे दें। और बारहवां पॉइंट है कि फिर महर तय करने के बाद अलबत्ता आपस में आज़ादी से रजामंदी से जो कुछ तय कर लें इसमें आप पे कोई गुनाह नहीं, यानी महर तय कर ली करने के बाद फिर अलहदगी का मामला चल जाए तो ठीक है, फिर आपस में जो भी तुम तय कर लो अल्लाह ताला को कोई गुनाह नहीं है, बेशक अल्लाह इल्म और हिकमत जानने वाला है, यानी किसकी नीयत क्या, नीयत के लिहाज से फिर अल्लाह ताला आप पे जजा या सजा का मामला करेगा। फिर थर्टीन पॉइंट भी अल्लाह ताला ने ये फरमा दी कि आप में से जो आज़ाद मुसलमान ख़वातीन के साथ निकाह की ताकत ना रखते हो इन्हें चाहिए कि आप इन मुसलमान लौंडियों से निकाह कर लें जो आपके बस में हो, ये हकीकत पेश नज़र रखें कि अल्लाह ताला आपके ईमान से खूब वाकिफ़ है, आप सब इंसान एक ही जिन से। यानी उस ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ग़ुलामी जारी थी, तो इसको ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने यह तरीका निकाला कि भी इस्पेशली जो
लौंडी है, इससे आप निकाह करें। और निकाह करने का मतलब फिर ये भी बता दिया कि इनको स्टेटस वही मिल जाएगा कि जो आपकी बेगम का है। ये 14 पॉइंट में बताया कि स्वयं लौंडियों के मालिकों की इजाजत से इनके साथ निकाह कर लें और सही कानून के मुताबिक इनका महर इस खातून को भी अदा करें। इस शर्त के साथ निकाह करें कि खातून पाक दामन रही हो, बदकारी करने वाली और चोरी छुपे आशनाई करने वाली ना हो। यानी नीयत आपकी भी दुरुस्त हो, खातून की भी हो, और खातून की आज़ादी के लिए तरीका यह निकाला के निकाह करें और इनको भी टोकन दें ताकि आपको ये पता चल जाए कि जनाब सारी उम्र आप इन गुलाम खातून लौंडी जो हैं इनकी भी सारी उम्र खदमत करेंगे, ये करें। फिर 15 पॉइंट में बताया, फिर जब वो पाक दामन लौंडी रखी जाए और इसके बाद अगर किसी बदचलनी की मर्तके वो तो इन पर इस सजा की आधी सजा है जो आज़ाद खवातीन के लिए मुकर्रर की गई। यानी ये एक पीनल लॉज है, वो ये था कि भी अगर बदकारी से कुछ प्रूफ आ जाए अदालत में तो फिर ये मर्द और खातून के लिए फिर सजा रखी हुई है 100 कोड़े। अच्छा, कोड़े भी फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिया अभी इतने सख्त भी ना हो कि भी अगला बिल्कुल ही जख्मी हो जाए और इतना हल्का भी ना हो कि अगले को तकलीफ भी ना हो, कि थोड़ा दरमियाना सा हल्का सा ऐसा वो कर लें। और उसके लिए फिर अल्लाह ताला ने जो पाक दामन लौंडी है वो भी अगर बदकारी कर बैठेगी और प्रूफ अदालत में आ जाएगा तो उनके लिए आधी सजा यानी 50 कोड़े मरे लगेंगे। तो बताएगा निकाह की ये इजाज़त आप में से इन लोगों के लिए जिन्हें निकाह से गुनाह से पड़ जाने का नशा हो, वरना सब्र करें तो ये आपके लिए बेहतर है। मुतमिन रहिए कि एहतियात की बावजूद कोई गलती हो जाती है तो अल्लाह ताला बख्शने वाला है, इसकी शफकत हमेशा के लिए। यानी निकाह में ये सोचे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सोच के ही करें ताकि गुनाह ना हो और गुनाह पड़ जाने का अंदेशा हो आपको स्पेशली बदकारी का तो फिर तो लाजमी करें, तो वरना आप नहीं इस काबिल बन रहे तो फिर सब्र ही करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला माफ़ करने वाला। तो जनाब ये था निकाह के अहकामात। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम तफसील से कुछ रज़ात मसात निकाह से कुछ और सवालात की हम बात करेंगे। फिर तअद्दुद इज़्दिवाज के इशू को देखेंगे, किफ़ात का एक इशू है और हक महर कितनी होनी चाहिए, इसकी बात हम करेंगे अगले लेक्चर्स में। अभी टाइम चुके हो गया तो इसको हम यहाँ पे मुकम्मल करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, वहसन जज़ा।